वीडियो चालू हो गया। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मस्ती में, ज़्यादा सीरियस मत होइए। आज हम बात करेंगे हींग के बारे में। जी हाँ, जैसे एक मूवी आई थी ना सिंग इज किंग, आज हम बोलेंगे हींग इज किंग। आपके घर में अगर ये रखी हुई है हींग, तो फिर चाहे आपको इन्फेक्शन की तकलीफ हो, सांस की तकलीफ हो, गैस की तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, उन सब में ये परफेक्ट दवा है। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या गुण हैं, कौन कौन सी बीमारियों में आयुर्वेद में इसे बोला गया है, कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। आयुर्वेद में हींग को हींगू कहते हैं। जी हाँ, अगर हींग का संस्कृत नाम जानना हो तो वो है हींगू। हींगू संस्कृत नाम हींग का। इसे इंग्लिश में एस्फोटिडा भी कहा जाता है। इसका गुण बोलते हुए आयुर्वेद में कहते हैं ये उष्ण है, गर्म है नेचर में, गर्म मसालों की कैटेगरी में आती है। तो इसका जो नेचर है वो गर्म बोला है, अर्थात ये खाएंगे तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करेगी। इसे लघु स्निग्ध तीक्ष्ण सर बोला है। सारे के सारे गुण पित्त से लगभग ज़्यादा मिलते हुए लघु है, हल्की है, स्निग्ध है, थोड़ा सा चिकनापन वाली होती है, तीक्ष्ण है, एकदम फोड़फाड़ करने वाली, मतलब भाई लोग जो बॉडी के लिए चाहिए वो, और सर एकदम फिसलने वाली। तो ये सारे गुण होने के कारण वो क्या काम करेगी, पित्त पे जाकर काम करेगी, पित्त को बढ़ाने का काम करेगी। और गर्म है तो दो किन लोगों को काम करेगी, वात और कफ। तो वात कफ शामक और पित्तवर्धक, ये गुण होगा हींग का। अब वात कफ नाशक होने के कारण इसका जो एक शब्द आया, ये जो गण आए हैं आयुर्वेद में, हर चीज के लिए टॉप बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, ऐसे करके उन्होंने ग्रुप बनाकर रखे हैं कि भाई जवान रहना है तो ये 10 मेडिसिन बेस्ट है। दुनिया में बहुत सारी दवाएं पर ये 10 वाली बेस्ट है। फिर सुंदर दिखना है तो ये 10 बेस्ट है। सांस की तकलीफ है ये 10 बेस्ट है। डायबिटीज़ है ये बेस्ट है। ऐसे करके उन्होंने 50 से ज़्यादा ग्रुप बनाकर रखे हैं कि टॉप 10 दवाइयाँ कौन सी है। तो हींगू को उन्होंने जो इंक्लूड किया है वो संज्ञा स्थापक में किया हुआ है। साथ ही साथ ये पेन किलर का काम करती है। आपके घर में आपको पेन किलर चाहिए, हमेशा टेंशन रहता है कौन सा पेन किलर यूज़ करें, दर्द होता क्यों है, वात के कारण सबसे ज़्यादा दर्द होता है, मेनली वात और रक्त रहता है। तो वायु के कारण अगर होने वाले कोई भी पेन है, जोड़ों का दर्द है, गैस होता है, खाने के बाद पेट फूल जाता है और एकदम गैस जैसे लगता है, खाना हजम नहीं होता और दर्द होता है, या फिर पेट में गैस होने के कारण कहीं पे भी दर्द होता है, ठंडी लगने के कारण दर्द होता है, ट्रैवलिंग करने के कारण दर्द होता है, या ठंडी का मौसम, बारिश का मौसम आने पे, पंखे के नीचे सोने पे, एसी में सोने में, ऐसे किसी भी कारण से, या डिलीवरी हुई थी उसके बाद से बॉडी में दर्द होने लग गया है, गर्भाशय निकाला था और उसके बाद बॉडी में जॉइंट पेन होना चालू हो गया है इस तरह की कंडीशन में, या ठंडी चीज़ें खाने से दर्द बॉडी में बढ़ जाता है, जैसे कि आइसक्रीम जैसी कोई चीज़ खा ली, ठंडा पानी पी लिया, ठंडी के कारण अगर आपको बॉडी में कहीं भी दर्द होता है वो सिर से लेके पैर के तलवे तक, तब आपको हींग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वात कफ नाशक है तो एक बहुत अच्छा शूलहर, पेन कम करने का काम करता है। खास करके पेट के आसपास का आपको दर्द है, पेट में कहीं भी दर्द होता है, तब तो हींग जरूर यूज़ करो। हींग का जो पानी होता है, पानी में अगर हींग डालकर ऐसे मिला ली जाए और उसे जहाँ कहीं दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा जाए, सीने पे भी इसका लेप बहुत बार लगाया जाता है, पेट में जहाँ पे दर्द हो रहा है या जॉइंट में पेन हो रहा है, कुछ देर के लिए 5 मिनट के आसपास लगा कर रखें, ज़्यादा कुछ जिनको गर्मी लगती है 2 मिनट तक ही रखें, तो वो वहाँ का लोकलाइज्ड पेन कम कर देता है। अब फ़ायदा क्या होगा अगर आप हींग, अब अगर क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे अगर आप हींग खाते हैं, सबसे पहले आजकल जो चालू है इन्फेक्शन, ये वाला वो वाला, ये आ गया है, खांसी हो रही है, गला खराब है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या कुछ भी ऐसे तकलीफ है, सांस की, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ऐसे टीबी के कारण कोई सांस की, रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड जो भी आप प्रॉब्लम जानते हैं, वो चाहे इन्फेक्शन के कारण आया हो या बचपन से ही आपको सांस, खांस, दमा, ये सब की तकलीफ हो, तब ये परफेक्ट चीज़ है, आपके खाने में होनी ही चाहिए। जब आप अष्टांग पढ़ेंगे या चरक संहिता भी पढ़ेंगे तो भी आया है, दुनिया में टॉप 10 मेडिसिन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, सांस के लिए, चाहे वो इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो चाहे इन्फेक्शन के कारण होता हो या किसी भी कारण से, तब हींग उसमें से टॉप 10 दवाइयों में से एक है। तो भाई सांस की कोई भी बीमारी है, इन्फेक्शन की कोई भी तकलीफ है, ब्रीदिंग में तकलीफ होती है, चाहे सूखी खांसी के कारण आता हो, गीला कफ के कारण होता हो, गला खराब हो के आता हो, बहुत ज़्यादा कफ के थक्के निकलते हो, ऐसा कुछ भी होता हो, इसे आयुर्वेद में तीक्ष्ण कहा है और जंतुघ्न कहा है। जंतुघ्न अर्थात जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं सीने में, जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उन सब में यूजफुल होगा। वात कफ नाशक होने के कारण प्राण वह स्रोतस की सभी बीमारियों में काम आएगा।
पिछली बीमारी में मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद में क्या बोला है कि प्राण वायु जो है वो दो चीज़ों से बनती है। किससे? वायु प्लस जल, ये दो महाभूत के कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर में प्राणवायु बनती है। मतलब ये दो तरह की बीमारी श्वास की सबसे ज़्यादा होगी, या तो सूखी खांसी हुई रहेगी वायु के कारण, या कफ के कारण हमेशा, या फिर जल महाभूत के कारण हमेशा कफ की बीमारी, गले में कफ होना, गला भारी रहना, खाने में प्रॉब्लम होना, ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा। तो वात और कफ दोनों के कारण आपको मैक्सिमम श्वास की तकलीफ होगी, वो चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन आया हो तो भी। अब ये वात और कफ को कम करने वाली दवाइयाँ इन सभी श्वास के रोगों में यूजफुल होगी। हींग का गुणधर्म क्या है? वात कफ नाशक है, साथ ही साथ कफ का छेदन करती है। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा कफ होता है, पूरा जाम हुआ रहता है, तब आप अगर खाने में हींग को यूज़ करते हैं तो ये आपके सीने के आसपास का जो भी कफ है उसको निकाल देगी। मतलब बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है, उन्हें ये ज़रूर देना चाहिए, या उनके जो आप खाना बनाते हैं उनको। बूढ़े लोग हैं, उम्र बढ़ने के साथ बीड़ी पी पी के श्वास की तकलीफ होने लग गई है, या उम्र बढ़ने के साथ किसी भी कारण से जब श्वास की तकलीफ हो रही है तो हींग जरूर खाओ। लंग्स के अंदर अगर सूजन आ जाती है, लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तब भी हींग यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ठंडी लगती हो और श्वास की तकलीफ होती हो तब डायरेक्ट हींग ही ले लिया, एक से दो चुटकी खा लिया, तो तुरंत ठंडी भी कम करता है, इन्फेक्शन को भी कम करता है। उसके बाद क्या हो रहा है? फीवर आ रहा है। तो दो तरह का फीवर देखा जाता है, एक ठंडी लग के आने वाला फीवर, एक गर्मी लग के आने वाला। एक में शरीर में बहुत जलन होती है, बहुत गर्मी लगती है, जलता है, एकदम आग जैसे लगता है, तब हींग यूज़ नहीं होगी, तब दूसरी दवा गिलोय विलोय जैसी जो दवाइयाँ हैं, आंवला है या षडंग पानी जैसी दवाइयाँ काम आएगी। अगर ठंडी लग के बुखार आता है, शरीर में बहुत ठंडी लगता है, एकदम ऐसे ऐसे कांपने रहे हैं, तीन चार एकदम ओढ़ा दिया, चद्दर वद्दर सब, कंबल वंबल सब डाल दिया, फिर भी इनकी ठंडी जा नहीं रही है, ऐसा इशू है ठंडी हवा लगने के कारण, या बारिश का मौसम आने के कारण, या सीजनल चेंज होने के कारण अगर फीवर आता है, तब हींग बहुत यूज़फुल रहेगी। साथ ही साथ ये सभी जंतुओं को मारने का एक्शन है, तो जिन लोग को इन्फेक्शन के कारण बहुत बार बुखार आने के चांसेस रहते हैं, मौसम बदला बुखार हो गया, नई जगह पर गया, वहाँ पे कुछ बैक्टीरियल वायरल हुआ बीमार हो गया, कुछ सीजन चेंज किया, घर चेंज किया, कहीं पे भी गया बीमार हो गया, ऐसे जहाँ भी चेंज हुआ और बीमारी गई, तब हींग यूज़ करना चाहिए। और क्या फ़ायदा करेगी? पेट की तरफ आते हैं, पेट में ये काम करेगी, कटु और उष्ण होने के कारण क्या करेगी, ये दीपन करेगी, मतलब भूख खुल के लगेगा। थोड़े संस्कृत शब्द सुनते जाइए, इसे यूज़ करते जाइए, है ना, दीपन भूख लगेगी, पाचन भूख डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, दीपन से भूख लगेगी, पाचन से हजम करने में मदद करेगा, साथ ही साथ हींग खाएंगे तो खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। ये सरगुण की है, तो पेट साफ करने में भी मदद करेगी। ऐसे लोग जिनको पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस होता है, बोलते हैं ना वाह गोला, पेट में गोला हो गया है, गैस एकदम घूमती रहती है, निकलती ही नहीं है, नीचे से निकलती है ना ऊपर से निकलती, पेट में एकदम गोल गोल घूमती रहती है। 40-45 के बाद की जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो देखो सबसे ज़्यादा यही कंप्लेंट करते हैं, पेट में गैस घूमती रहती है, निकलती ही नहीं। जब इस तरह का इशू है कि पेट से भैया निकल नहीं रहा है, तब आप हींग खाएंगे तो पेट से जो गैस है वो एकदम ढुम आराम से ऐसे बाहर निकल जाएगी। स्निग्ध तीक्ष्ण गुण होने के कारण क्या है, ये वात का अनुलोमन करेगी और बॉडी में पेन कम करने में मदद करेगी। पेट में जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खाने के बाद खास करके पेट फूलने लग जाता है, कई लोग के साथ ऐसा उपवास रहते हैं तो भी पेट फूलने लगता है, तो खाने के बाद पेट फूल के दर्द हो रहा हो, खाली पेट रह के पेट फूल रहा हो, पेट फूलता है, पेट में दर्द होता है, चाहे क्रीमी के कारण ही, वर्म्स के कारण ही पेट में दर्द होता हो, तब आपको हींग जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ये स्निग्ध उष्ण नेचर वाली। खाने में इसका दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, एक तो खाना खाने के पहले एक से दो चुटकी हींग खा लो और फिर खाना खाने बैठ जाओ, इससे अपान वायु की जो नाभि के नीचे की प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। अगर पाचन अच्छे से बढ़ाना है, भूख खुल के लगनी, जो खा रहे हजम हो जाए, तो खाना खाते समय बीच में हींग खाना चाहिए, मतलब दो रोटी खा रहे हैं, एक रोटी खाकर हो गया, फिर एक चुटकी या दो चुटकी हींग खा ली और ऊपर से एक रोटी खा ली, इसको बोलते हैं समान काल। समान वायु का क्या काम है, बॉडी में खाना पचाने में मदद करना, पांच जो वायु अलग अलग काम करती है, समान वायु पाचन में मदद करती है, तो खाना खाते समय बीच में दवा आप ले सकते हो। खाते समय जब आप हींग का प्रयोग कर रहे हो तो उसको घी में सेक के लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो कई लोगों को एकदम गर्मी कर देती है, छाले आ जाते हैं, जलन होने लगती है। तो हींग को क्या कीजिए कि 100 ग्राम हींग को 10 ग्राम घी में एकदम सेक वेक के आराम से रख लीजिए, और ये वाला या हींग को घी के साथ आप खाएंगे तो गर्मी नहीं होगी पर उसके पूरे फायदे आपको मिल जाएंगे। छोटे बच्चे हैं घर में, दूध पीते हैं, पेट में गैस हो जाता है, एकदम वाया वाया करके रोते रहते हैं, उनसे पेट से गैस नहीं निकलती है, तो जो हींग है उनके नाभि के नीचे वो हींग लगाना चाहिए 1 मिनट के आसपास, जब उनको गैस पास हो जाएगी तो इसके बाद वो हींग को क्लियर करके वहाँ पर घी लगा देना चाहिए,
तो घी का यूज हो जाएगा और बच्चों का भी जो पेट रहेगा वो बड़े आराम से रहेगा। अब ये गर्म है तो क्या करेगी, ये हार्ट को एक्टिवेट करेगी, उत्तेजित करेगी, हार्ट को बोलेगी चल काम पे लग जा। तो जैसे लोग जिनका हार्ट बहुत आलसी है, आलसी क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वहाँ पे लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आने लग गए हैं, या जिनको खाना खाने के बाद हार्ट में भारीपन जैसा लगता है, काम नहीं करते, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है और उसके कारण हार्ट में प्रॉब्लम होती है, खाने के बाद सीने में दर्द होने लग जाता है, गैस के कारण सीने में दर्द होता है, गैस पेट में बहुत भर जाती है और सीने में ऐसे लगता है किसी ने पत्थर रख दिया है, इस तरह का जब भारीपन होता है तब आपको खाने में हींग यूज़ करना चाहिए। ये हार्ट रेट बढ़ाने में मदद करती है और जो हार्ट के आसपास आपको सीने में अगर दर्द होता है उस दर्द को निकालने में भी मदद। इसका एक और फायदा है कि ये ना बॉडी में मूत्र मार्ग से बाहर निकलती है। आप कोई भी दवा लेते हैं तो वो अलग अलग मार्ग से शरीर से बाहर जाती है, तो ऐसे लोग जिनको यूरिन ठीक से नहीं निकलता है, पेशाब रुक रुक के आता है, कई लोग बोलते हैं पेशाब खुल के नहीं आता, रुक रुक के थोड़ा आता है फिर जाना पड़ता है, या पेशाब होते समय दर्द होता है, ऐसे लोगों के लिए मतलब प्रोस्टेट जिन्हें होता है, जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना प्रोस्टेट के लिए कुछ है क्या, आपके घर पे हींग है वो प्रोस्टेट में मदद करेगी। क्यों, प्रोस्टेट में आप देखिए बार बार यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन रुक रुक के आता है, थोड़ा आता है, ऐसे में क्या हुआ रहता है, वहाँ पे जो मांस धातु बढ़ी हुई है उसका पाचन करने के लिए, वायु को फिर से नॉर्मल करने के लिए, आपको यूरिन क्यों होता है, क्योंकि अपान वायु अपना आराम से नीचे की तरफ काम करती है, तो उस वायु को सुधारने के लिए प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम में, पेशाब होते समय दर्द होने पे, या पथरी जैसी प्रॉब्लम में जिसमें कि फोड़ फाड़ करने रहता है, तब उसमें स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण ये वाली गुण वाली जो हींग है आपके लिए यूजफुल रहेगी। यूरिनरी प्रॉब्लम में वायु और कफ के कारण दर्द है, प्रोस्टेट है, पथरी है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, तब आपको ये वाली दवा हींग खाने के पहले एक से दो चुटकी जरूर लेना। उष्ण तीक्ष्ण गुण होने के कारण ये एक्साइटमेंट लाने का काम करती है, तो काम शीतता जैसी जो तकलीफें होती हैं, जिनको शादी के बाद रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहता, इस तरह की तकलीफ होने जाती है, या महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ इस तरह की तकलीफ आती है कि उन्हें धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तब हींग यूज़ हो सकती है। ये गर्म है नेचर में, तो जिनको मासिक धर्म आते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिनको मासिक धर्म के समय पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ होता है, जिन महिलाओं को पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस बनने की प्रॉब्लम है, खास करके जो वात प्रकृति वाली महिलाएं हैं, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी चलना, जिनमें पेट में बहुत गैस बनता है, ऐसी महिलाओं के लिए ये बहुत यूज़फुल है, महिलाओं के लिए एक बहुत उत्तम क्लास की दवा होगी। साथ ही साथ जब प्रेग्नेंट डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद भी वायु से बच के रहना सबसे मेन टास्क रहता है, तो डिलीवरी होने के बाद जिनको गैसेस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे सभी महिलाओं के लिए, या जिनको सिजेरियन हुआ है और सिजेरियन होने के बाद पेट में बहुत गैस वैस जैसी प्रॉब्लम होती है, या गर्भाशय निकाल दिया और फिर बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, गर्मी नहीं लगती है ठंडी लगती है, मतलब गैसेस की प्रॉब्लम भी होती है और ठंडी बहुत लगती है, तब हींग खाने में जरूर रखो, आपके घर की किंग दवा है ये। इसके अंदर सल्फर होता है, सल्फर होने का ये बेनिफिट है कि आपकी स्किन तक जाती है, तो वात कफ टाइप के जो स्किन के डिसऑर्डर होते हैं, रूपॉइड सोरासिस जैसे, या फिर पिंपल जिसपे बहुत मोटे मोटे पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन में बहुत मोटी मोटी लेयर हो जाती है, एकदम कड़क लेयर हो जाती है, उसको ब्लेड से भी घसते रहो तो निकलती नहीं, ऐसे टाइप की जब आपको स्किन की प्रॉब्लम होती है, वात कफ रिलेटेड जब स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोज़ डाले हैं, उन सारी बीमारियों में आप इस हींग का इंटरनल भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही तो एक्सटर्नल लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद हटा के वहाँ पे घी लगा देना रहेगा। ये बॉडी में श्वास वह स्रोत से बाहर निकलती है, त्वचा से बाहर निकलती, यूरिन से बाहर निकलती, इस तीन सिस्टम की कोई भी बीमारी याद आती है, श्वास की, यूरिन की, स्किन की, हींग खाओ, क्योंकि वहाँ से बॉडी से बाहर निकलने की इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत तीन के तीनों सिस्टम तक जाती है, मतलब बहुत कमाल की दवा है। पेट की बीमारी में अगर इसको यूज़ करना है तो घी में सेक के यूज़ करो थोड़ी, मतलब ये अगर आपको लेना है तो दो चुटकी हींग ले लो, थोड़ा सा घी डालो, हल्का सा सेको और खा लो, इस तरह का काम चलेगा। श्वास की बीमारी में यूज़ करना है तो कच्चा हींग यूज़ करो, अगर बहुत ज़्यादा कफ वफ हुआ है तब डायरेक्ट हींग ना यूज, भूजा हुआ हींग लेकर, क्योंकि जब आप भूनते हैं तो उसकी जो गर्मी है कम हो जाती है। श्वास की बीमारी में जिनको बहुत ठंडी लगती है, बहुत कफ लगता है, कच्चा हींग यूज़ करो गुड़ के साथ में, एकदम अच्छे से पूरे कफ वफ को निकालने में मदद करेगा, इन्फेक्शन जो कुछ बात आजकल चीज आ रही है उन सारी की सारी चीज़ों में भी मदद करेगा। हाँ, इसको लेने से अगर गर्मी वर्मी कुछ लोग को होती है तो इसकी मात्रा कम करके घी के साथ यूज़ करना चाहिए। अगर हींग लेने से प्रॉब्लम होती है तो फिर, अगर बाई चांस आपको नहीं पता कि मैं कौन सी प्रकृति का हूँ और बाई चांस गलती से आपने हींग यूज़ कर ली, हींग यूज़ करने के कारण गर्मी आ गई, तब आपको ठंडी चीज़ें यूज़ करना चाहिए। घी यूज़ करो, एंटीडोट
एंटीडोट है, घी एंटीडोट है हींग का, जो भी गर्मी आई है वो कम कर देगा। अनार खाओ, अनार नेचर में जो मीठा अनार है वो भी हींग के कारण जो भी गर्मी आई है वो कम कर देगा। सीताफल जो होता है वो खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, ये सारी चीज़ें हींग के कारण जो गर्मी आई है। धनिया का पानी पी सकते हो, हरी धनिया की चटनी खा सकते हो, वो हींग की पूरी गर्मी शरीर से कम कर देगा। तो ये तो रिव्यू था हींग के बारे में। इसकी मात्रा यूज़ कर सकते हो दो या तीन चुटकी तक ही यूज़ करना चाहिए, मतलब आधे ग्राम तक इसकी मात्रा दिन में यूज़ की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। खाने में बनाते समय हींग डाल के यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको जो प्रॉब्लम है उसमें बोला खाने के पहले या खाने सांस की तकलीफ है तो हींग एक चुटकी लेके गुड़ में ऐसी छोटी छोटी गोली बनाकर 3-4 बार आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हो। बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी के लिए ये यूज़फुल रहेगा। तो आपके किचन की किंग हींग इस किंग, ये उसका रिव्यू था। आपको और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हींग के बारे में पूछ सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर भी हैं, अगर आप चाहेंगे कि क्या क्या रिसर्चेस इसके ऊपर हुई हैं उसका कुछ वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। आपके लिए ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हींग इस किंग।